नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको अम्बाला में अब अपनी दुकान खोलनी है या किसी भी तरह का कोई काम शुरू करना है तो ये खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि अब अम्बाला में नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस जो है वो कारोबार करने के लिए कंपलसरी कर दिए हैं। अब आपको अगर अम्बाला में किसी भी तरह का काम शुरू करना है तो आपको नगर निगम की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और उसकी फ़ीस भरने के बाद ही आप अम्बाला में इस कारोबार को अंजाम दे पाएंगे। जिन लोगों के कारोबार पहले ही चल रहे हैं ये नियम उन पर भी लागू कर दिया गया है और उन्हें नगर निगम ने नोटिस देने भी शुरू कर दिए हैं कि खुद का ट्रेड लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट से जाकर वो अप्लाई करें और वहां से वो ट्रेड लाइसेंस लेकर ही काम करें। अगर ऐसा नहीं करते दुकानदार तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है और उनकी दुकानें सील करने की बात भी नगर निगम की तरफ से कही जा रही है। इस मामले को लेकर हमने निगम के अधिकारियों से बातचीत की, तो सुनिए क्या कुछ आदेश हैं निगम के। सर, ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी कर दिए हैं नगर निगम ने, क्या कारण रहा और किन किन व्यवसायों के लिए किया गया? एक्चुअली में हमारे यहाँ ट्रेड लाइसेंस जो है वो जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, एटीएम बैंक हैं, बैंकर्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उन लोगों के लिए होता है कि वो अपने निगम में एक ट्रेड लाइसेंस ले। इसमें कोई ज़्यादा नहीं होगी, टर्नओवर के ऊपर डिपेंड होता है कि कितनी टर्नओवर है, कितना बहुत नॉमिनल से अमाउंट है। जैसे कि 50,000 की है तो 300 रुपये फीस लग रही है उनकी, 1,00,000 की तो 400 रुपये, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन ये देखा गया कि यहाँ पर लोगों ने ट्रेड लाइसेंस अप्लाई नहीं किए हुए थे, तो उसके मद्देनजर देखते हुए हम लोगों ने नोटिस जारी किए हैं कि भी आप अपने ट्रेड लाइसेंस लें और जो ऑनलाइन इसकी प्रतिक्रिया जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें पुटअप करेंगे और हमको जो भी उनका अमाउंट होगा हम उस हिसाब से उनको ट्रेड लाइसेंस जारी कर देंगे। सर, अगर कोई नहीं लेता कब तक की वैलिडिटी दी गई है? इसमें 3 नोटिस दिए जाते हैं, 7-7 दिन के 3 नोटिस दिए जाएंगे। अगर कोई नहीं लेगा तो फिर जो भी एज पर एक्ट कार्रवाई होगी उन पर लागू की जाएगी। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर किन किन व्यवसायों को अगर हम बात करें दुकानों की या फिर सिर्फ शोरूम्स को, शोरूम्स हो गए, होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंकेट हॉल हो गए, अपने जितने भी बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स हैं, रिलायंस फ्रेश हो गया, जिस तरह के हैं, तो निगम से अनिवार्य है। सर, क्या लगता है निगम की इनकम पर भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली में अभी तक देखा, जो हमने इस साल में देखा, अभी 2 नहीं हमारे ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करवाए हैं। जैसे हमारे मैक्सिमम हॉस्पिटल्स हैं, मैक्सिमम एटीएम्स हैं, बैंकर्स हैं, होटल्स हैं और शोरूम्स भी काफ़ी संख्या में हमारे पर हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अपना जो भी है हमको ऑनलाइन कीजिए और ताकि अगर उनके डॉक्यूमेंट्स फुलफिल हैं तो हम उनको ट्रेड लाइसेंस जारी कर सकें। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।